सिर्फ एक मांग है कि एक छत के नीचे रहने वाले को किसी को 80,000 रुपया, किसी को 20,000 रुपया, यह समानता नहीं है, वो समानता है। समानता बनाने के लिए आप बार बार सरकार बात करती है गुणवत्ता दीजिए, गुणवत्ता हम लोग गुणवत्ता देने के तैयार है, लेकिन आप एक छत के नीचे रहने वाले को किसी को 20,000, किसी को 80,000, ये नहीं चलेगा। सरकार तानाशाह का प्रयोग किया है, आज तक करते रही है, इसीलिए बिहार के तमाम शिक्षकों में आक्रोश हो गया। बिहार के तमाम शिक्षक यह निर्णय लिया है कि 17 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे, जिसका भागलपुर जिला में आज जिला स्तरीय में तमाम भागलपुर जिला के 16 प्रखंड के अध्यक्ष बैठे हुए हैं। आज ये संकल्प ले रहे हैं कि हम लोग 17 तारीख से भागलपुर जिला में जितने भी स्कूल हैं प्रारंभिक माध्यमिक सबों में हम लोग तालाबंदी करेंगे, पठन पाठन को बाधित करेंगे। सरकार का जो डरावना है, सरकार द्वारा जो एक धमकी भरा पत्र निकला है कि जैसे ही हड़ताल में शिक्षक जाएगा नो वर्क नो पे देंगे, जैसे ही बीचन कार्य को या सेंटर पे जाके परीक्षा को बाधित करेंगे हम उनके ऊपर FIR करेंगे, उनके ऊपर हम नौकरी का टूट करते हुए उसको निलंबन करेंगे। सरकार धमकी दिया है, लेकिन हम तमाम बिहार के शिक्षक उसके धमकी से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग जिल्लत का जिंदगी जी रहे हैं, तो इस जिल्लत की जिंदगी से ज़्यादा बेहतर है कि हम लोग रोड पे उतर गए हैं। अब रोड पे उतर गए हैं, जिस उसको जो करना होगा हम लोग मंजूर हैं। और सरकार यदि ये चाहती है कि हम आयुष्मान लागू करेंगे, वह भी हम तमाम नेतृत्वकर्ता के साथ शिक्षक तैयार है कि आयुष्मान भी लागू कीजिए, आपको नौकरी हटाना हटाइए। हम लोग एक शिक्षक नहीं है, 5 लाख शिक्षक हैं बिहार के धरती पर। सरकार को हिम्मत है तो यह आयुष्मान लागू करके देखे, और जो नो वर्क नो पे करा यह सब दिन किया है, नो वर्क नो पे के लिए तो हम लोग तैयार हैं कि हम काम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, पैसा नहीं लेंगे। परिचय, बिहार पंचायत मेयर पारमी शिक्षक संघ मूल के प्रदेश अध्यक्ष पूरन कुमार।